हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 3 के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लासेस। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली प्लस नॉर्म्स। यहाँ पर जो पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड यूज करा गया है, ये कॉम्बिनेशन है पॉली और मॉर्फ्स का, जिसका मीनिंग होता है वन नेम मेनी फॉर्म्स। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म एक जो हमने कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो हमारा सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है ओक्स कॉन्सेप्ट्स का। यहाँ पर हमने अभी तक इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन तो जान चुके हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म भी एक मेन कंसेप्ट है हमारे ओक्स का। सो यहाँ पर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, जो मैंने वर्ड आपको मीनिंग बताया, उसके बेसिस पर जो हमारे रियल लाइफ पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल रहेगा वो ये है कि एक, जैसे मैं हूं आपके सामने एज अ फैकल्टी, मैं आपको पढ़ा रही हूं यहाँ पर, तो ये मेरा एक रोल है। लेकिन जब मैं घर जाऊंगी तो मेरा एक मदर का रोल है, मैं किसी की डॉटर हूं। घर पे अगर मैं कहीं पर मार्केट में जाऊंगी तो मैं किसी के लिए कस्टमर हूं। तो यहीं पर एक आइडेंटिटी, एक एंटिटी है जिसकी अलग अलग आइडेंटिटीज हैं अलग अलग सिचुएशंस में। सो अ सिंगल पर्सन इज बिहेविंग डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, यही कहलाता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म के मेजर टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज द व्हेन द ओवरलोडेड फंक्शंस आर इवोक्ड बाय मैचिंग द टाइप एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कंपाइल टाइम जो हमारा रहता है पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें हम ओवरलोडेड फंक्शंस को इवोक करते हैं, दैट मींस कॉल करते हैं बाय मैचिंग देयर टाइप एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, उनके आर्ग्यूमेंट्स के टाइप और कितने आर्ग्यूमेंट्स यूज करे गए हैं उनके बेसिस पर। और ये जितनी भी प्रक्रिया हो रही होती है, इट इज वर्किंग एट द कंपाइल टाइम, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो उसको, उस पर्टिकुलर फंक्शन को, एप्रोप्रिएट फंक्शन को कंपाइल टाइम पर सिलेक्ट करता है और उनके टाइप्स और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देखता है। इट इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जो मेनली यहां पर हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं वो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू करते हैं, जिनको हम स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं, जिनको हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि एक्सप्लेन स्टैटिक बाइंडिंग, तो डेट मीन्स आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास अर्ली बाइंडिंग नाम से भी क्वेश्चन आए तो भी आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही एक्सप्लेन करना है। यहां पर हमारे पास जो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, जो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए होता है, उनके लिए हमने सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन का वीडियोस हमारे बीसीई के प्रैक्टिकल सीरीज में बनाए हैं, जिसका टॉपिक है यूनिट है 24। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप होता है वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट्स मेथड इज इवोक्ड एट द रन टाइम इंस्टेड ऑफ कंपाइल टाइम। यहां पर हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट का जो मेथड है उसको हम कॉल कर रहे हैं रन टाइम पर, ना कि कंपाइल टाइम पर। So it is achieved by the method overriding, which is also known as dynamic binding and late binding. ये method overriding के through achieve होता है, इसी कारण इसी को हम dynamic binding और late binding भी कहते हैं। तो यहां पर अगर बेसिक डिफरेंस दोनों कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बीच में हम बोलें, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म द फंक्शन इज इवोक्ड एट द टाइम ऑफ कंपाइल टाइम, और इधर फंक्शन इवोक हो रहा है एट द टाइम ऑफ रन टाइम। इट इज नोन एज ओवरलोडिंग, अर्ली बाइंडिंग एंड यहाँ पर स्टेटिक बाइंडिंग बोला जाता है। वहीं यहाँ पर इसे ओवरराइडिंग कहा जाता है, डायनेमिक बाइंडिंग कहा जाता है, या फिर लेट बाइंडिंग कहा जाता है। जो हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कंसेप्ट यूज करते हैं वो ओवरलोडिंग कंसेप्ट यूज करते हैं, वेयर वन मोर देन वन फंक्शन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट टाइप एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स। यहां पर जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के लिए ओवरराइडिंग, यहां पर हमारी जो बेस क्लास होती है और हमारी जो ड्राइव क्लास होती है, उन दोनों के पास सेम नेम का फंक्शन होता है विद सेम पैरामीटर्स एंड सेम टाइप ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पर जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इट इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड हियर इन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इट इज अचीव्ड बाय वर्चुअल फंक्शंस एंड पॉइंटर्स। हमारा जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसका फास्ट एग्जीक्यूशन होता है बिकॉज ये कंपाइल टाइम पे कॉल किया जा रहा है, तो कंपाइलर को इसमें एग्जीक्यूशन में उतना टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर रन टाइम पर ये एग्जीक्यूशन वर्क करता है, इसलिए ये स्लो एग्जीक्यूशन होता है।
बट वहीं अगर कंपाइल टाइम पर, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पर होता है इसलिए लेस फ्लेक्सिबल होता है, और यहाँ पर ये मोर फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि ये रन टाइम पर एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंस था कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बीच में। अब जो हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू, वो हमारा क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर टू और मोर फंक्शंस कैन बी मैप्ड विद द सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स। यहां पर हम दो तीन फंक्शंस को एक नाम के साथ बना सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस कैसे होता है, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं या तो उनका टाइप अलग हो सकता है या फिर उनका यहाँ पर पैरामीटर्स का नंबर, या तो दो पैरामीटर हो, तीन पैरामीटर हो, अगर दो दो ही पैरामीटर्स हैं तो उनकी टाइप अलग है, हो सकता है ये इंटीजर पैरामीटर्स हो, ये यहाँ पे डबल पैरामीटर्स हो, तो वो कहलाता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग अचीव करने के लिए पहला एक रूल ये रहता है पैरामीटर शुड हैव अ डिफरेंट टाइप, दूसरा हमारा रूल रहता है पैरामीटर शुड हैव अ डिफरेंट नंबर, तीसरा रूल होता है पैरामीटर शुड हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स, यहां पर हम हमारे पैरामीटर्स के सीक्वेंस को भी अलग अलग रख सकते हैं। सो यही होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि यूनिट 24 में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट किया है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप वहां जाकर फंक्शन ओवरलोडिंग का सेपरेट वीडियो एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं वो होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन विच द ऑपरेटर इज ओवरलोडेड टू प्रोवाइड द स्पेशल मीनिंग ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यहां पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग को के अंदर हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं ताकि हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। अभी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो वेरिएबल्स के होते हैं उसका मतलब क्या हो गया, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वेरिएबल्स ही होते हैं, क्योंकि हमारे क्लास का इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट। क्लास क्या हुआ, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हुआ जिसे हमने डिफाइन किया है, उससे बना हुआ उसका इंस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट वही उसका वेरिएबल हुआ। तो यहां पर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यहां पर करते हैं, वेयर ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड और रीडिफाइंड फॉर द ऑब्जेक्ट्स। इट इज यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वेरिएबल्स। For example, C++ provide ability to add two variables of user-defined data type. हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, और वो हम क्यों कर पाते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू ही कर पाते हैं। सो यहाँ पर हमारा मेन एडवांटेज क्या हो गया, दैट इट इज दैट ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द सेम ऑपरेंड। सेम ऑपरेंड के ऊपर वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं सभी ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं हो सकते हैं, कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, मेंबर पॉइंटर सिलेक्टर, इसके अलावा टर्नरी ऑपरेटर, इनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड बट द न्यू ऑपरेटर्स कैन नॉट। जो हमारे एग्जिस्टिंग हमको अवेलेबल है C++ में उनको हम ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन न्यू ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। द ओवरलोडेड ऑपरेटर कंटेन्स एटलीस्ट वन ऑपरेंट ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें एटलीस्ट एक ऑपरेंट यूजर डिफाइंड टाइप का होना चाहिए, और वी कैन नॉट यूज फ्रेंड फंक्शन टू ओवरलोड द सर्टन ऑपरेटर्स। यहाँ पर हम फ्रेंड फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं किसी सर्टन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए। हाउएवर द मेंबर फंक्शन कैन बी यूज टू ओवरलोड दोज ऑपरेटर्स। यहाँ पर हम मेंबर फंक्शन का जरूर यूज कर सकते हैं ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए। जब भी हम यूनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करेंगे मेंबर फंक्शन के थ्रू, तो हमें एक भी आर्ग्यूमेंट की, एप्लिसिट आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन के थ्रू अगर हम कर रहे होते हैं उस केस में एक एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर हम बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करें तो उस केस में हमें एक ऑपरेंड की जरूरत मेंबर फंक्शन के साथ में पड़ती है और दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है फ्रेंड फंक्शन के साथ में। तो ये कुछ हमारे रूल्स थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटेड। इसका भी इम्प्लीमेंटेशन हमने सेपरेट वीडियो में BCE के प्रैक्टिकल सीरीज में टॉपिक 24 में कर रखा है।
आप वहां जाकर जहां पर हमने यूनरी ऑपरेटर का भी ओवरलोड करा है, इसके अलावा हमने बाइनरी ऑपरेटर को भी ओवरलोड करके इसका कोड बकायदा रन करके हमने पूरा कोड एक्सप्लेन किया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप था हमारा कंपाइल टाइम के अलावा, वो था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव करते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू और वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू। तो फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरराइडिंग इज व्हेन इफ द डिराइव्ड क्लास डिफाइंस द सेम फंक्शन एज इट वाज डिफाइंड इन द बेस क्लास। यहां पर डिराइव क्लास भी सेम फंक्शन को डिफाइन करता है जो कि बेस क्लास में डिफाइंड था, यही कहलाता है फंक्शन ओवरराइडिंग इन C++। इट इज यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट इनेबल्स टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स बेस क्लास। यहां पर हमारे पास एक एक्सेस होता है जिसमें हमने बेस क्लास में जो फंक्शन यहां पर डिफाइन करा गया था उसको हम रिडिफाइन कर पा रहे हैं हमारे डिराइव क्लास में। इसका भी हमने प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन विद कोड टॉपिक 24 में किया है। आप वहां जाकर 24 में हमारा जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का जो एरिया है उसकी सब वीडियो है, उसमें हमने यहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग को उसका कोड लिखकर C++ एडिटर पे रन करके उसे एक्सप्लेन किया है। सो हमने अभी यहाँ पर आज की वीडियो में पढ़ा है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरराइडिंग क्या, ओवरलोडिंग क्या होता है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के वर्चुअल फंक्शंस में आखिर क्या होता है।